हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनय और आप देख रहे हैं टेक अभिनय। जैसे कि आपको बताया, मैं आपके लिए हमेशा टेक्निकल वीडियोस लेकर आता हूं, तो उसी प्रकार मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर आप कोई भी फराटा फ़ैन लें तो उसकी घर पर फिटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा फराटा फ़ैन आता है पैक होकर पेटी में। तो देखिए, ये हमने बजाज का लिया है। आप किसी भी कंपनी का लोगे, लगभग फिटिंग लगभग सब पंखों की सेम आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी खोल लेते हैं मोटर और आपको दिखाते हैं कि कैसी इसकी मोटर है। तो ये हमारा इसका फराटे का मोटर है। ये हमारा 3 स्पीड मोटर है, लो मीडियम हाई। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसकी और एक्सेसरीज को खोल लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें जो और एक्सेसरीज है वो अलग पेटी में आती है। पहले इसको खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा ब्लेड का बॉक्स है। इसमें हमें पंखे के ब्लेड मिलेंगे। इसको भी खोल लेते हैं हम। ये देख सकते हो आप, लोहे के ब्लेड हैं। बाकी इसमें जाली मिली है और एक इसका बेस मिला है ये, और एक इसमें बेस का स्टैंड डंडा मिला होगा। तो देखिए, सबसे पहले बेस के नट खोल लेते हैं हम। फिर उसके बाद इस डंडे को हमने इस पर लगा लेना है। नट जो इसमें खोले थे हमने, फिर नट से इसको कस लेना है। तो इसके तीनों नट लगाने के बाद अच्छे से आपने कस लेने हैं और ये हमारा स्टैंड हो गया रेडी। अब इसके बाद अब हम इसमें इसकी मोटर रखेंगे। तो ये इसकी मोटर है। इस पर भी जो सिंपल बोल्ट लगे हैं आपने, उनको खोल के और इस पर रख के फिर इस बोल्टों को वापस लगा के कस लेना है। तो ये हमारी मोटर लग के हो चुकी है स्टैंड में रेडी। तो देख सकते हो आप, अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे इसकी जाली, जो हमारी सेफ्टी जाली है। इस जाली को लगाने के पहले जो हमारे मोटर पे 4 नट दिए हैं, नो को खोल लेंगे। और इसमें कुछ इस तरह से जाली को लगाएंगे। और जाली लगाने के बाद जो हमने 4 स्क्रू खोले थे, उन 4 स्क्रू को अच्छे से कस लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, हम लगाएंगे इसमें ब्लेड। तो ब्लेड को लगाना बहुत ही सिंपल है। जो इसमें सर पिन दिए, पिन को हटाने के बाद आपने इसमें देखना है, इसकी जो शाफ्ट है उसमें एक कट दिया होगा। उस कट को आपने पंखुड़ी में भी एक कट दिया होगा। उन दोनों को सेम मिला के फिर लगा के इसको, फिर इसकी पिन लगा देनी है और फिर उसके बाद इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस लेना है। तो इसके हमने सारे स्क्रू कस लेने हैं अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से।
और इसके बाद इसका जो जाली का बाहर वाला कवर है इसको लगा लेना है इस पर। और इसके कवर को भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर लेना है जिससे हमारा निकले नहीं। और ये हमारा पंखा हो चुका है रेडी। और देखा दोस्तों आपने इसको असेंबल कितना करना कितना इजी था। और अब हम इसको चलाएंगे, दिखाते हैं आपको इसको चला के। ये देख सकते हो दोस्तों ये हमारा हो चुका है रेडी। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले दोस्तों नमस्कार, राम राम।